तुम जी वेलकम बैक खोखर पिजन क्लब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब भाई अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे, फुफाड़ होंगे। तो आज नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। कुछ कबूतर उड़ाने लगे हैं और आपको बोला है, मैं भी जो है वो सरगर्म होके बोल रहा है, इंशाल्लाह कबूतर उड़ाएंगे, चेक करेंगे, उड़ा के मैं जो है ना इनको इन्जॉय करूँगा अभी। और कुछ बच्चे नए छोड़े हैं आपको पता है, वो भी आपको उड़ा के साथ शेयर कराएंगे और इधर से शुगल मुगल दिखाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, उठे हैं तो अभी समझ लेगा, मुंह भी नहीं धोया तो इनके पास आ गया। मैंने कहा इनको उड़ाता हूँ, फिर मुंह हाथ धो के नाश्ता करते हैं। और आप भी जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो वीडियो को पसंद करते हैं, और आप भाइयों के लिए ही है। और कबूतर आज उड़ाऊँगा, 6-7 हैं आज, इनको डंडा परेड कर देनी है हमने, ठीक है। देखते हैं कहाँ कहाँ उड़ते हैं। ये ना खा खा के फिट गए हैं, खाने का मतलब ये है कि ये खा खा के फिटे हुए हैं, इनको उड़ाई नहीं मिल रही, दाना मिलता अच्छा और बैठे रहते हैं। अब इनको डंडा परेड कम से कम मैंने ना 6-7 दिन 10 दिन तक लगातार उड़ाने हैं, ताकि उसके बाद फिर मैं ये 6-7 बड़े कबूतर उनको पोड़ दूंगा, बच्ची अंडा भी पोड़ दूंगा, ताकि 10 साल हो जाए फिर उनको आगे बसा के। अभी आ रहा है उसमें फिर आपको शुगल करके दिखाएंगे। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल है कबूतरबाजी से रिलेटेड और आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, रابطہ कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ का नहीं भी पता तो आपको ज़रूर उसका पूछ के बता देंगे किसी से, कोई किसी का भी इल्म कम्प्लीट नहीं होता। तो ये सारी बात है, कल एक बच्चा मेरा नहीं आया, सामने खड़ा खड़ा रात रह गया या जिधर हुआ दुख लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, जाएंगे तो आएंगे। तो ये सारा शौक है, ये सारा शुगल है। तो आप भाई उम्मीद करता हूँ कि जो है पसंद करेंगे, अभी उड़ा के दिखा दूँगा आपको, फिर बैठ के थोड़ी सी गपशप मारते हैं आपके साथ, देखें आप जो आए करें उड़ाने का। आ गया जी ब्लैक, आ जाओ जी, सोने हो लाइन से चेक करें, ये बड़ा चपड़ा बच्चा है, ये इतना को मोटा को उड़ते नहीं है ना, उड़ाए नहीं लगातार। और ये मेरा जोंसरा सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है ना, वो ये जोंसरा उड़ के आता है और ये चपड़ा बच्चा भी उड़ के आता है। अभी दो कल चले गए, एक जोंसरा नहीं आया और एक बच्चा नहीं आया, मेरा काम लग गया, नहीं आया तो ना आए। हमें क्या अभी बच्चे अंदर छोड़े हैं, वो ये उड़ के आएंगे तो फिर दिखाऊंगा। ये देखें जी इंशाल्लाह बच्चा आ रहा है, ये बच्चा, ये दोनों ही, तो इनको मैंने पटाई दे देनी है। ये देखें, चलो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह। मेरी अम्मी भी बोल रही है कि तू केड़े कमे पे आ गए। ये देखें जी क्या मस्त माहौल है यार, ये जो इंजॉय का मौसम, ये जो इंटरटेनमेंट है ना, ये उड़ाने के बाद जो खुशी मिलती है, नशा ही इसका कबूतरबाजी का, भी नहीं लोग इस पर मरते जीते। और इसकी कशिश है, ये देखें ना, मेरा ख्वाहिश है कैसे 50 कबूतरों का पल्ला मारूँ मैं, ठक करती समान जाएँ सारी। और दे ले मैंने जा ली है, और अभी तो मैंने शुरू किया है दोबारा, बस अचानक ही जो है ना, अचानक ही दिल कर पड़ा है मेरा, या किसी की कोई बात मेरे जहन में लड़ गई है। तो अब्बल तो हम कोई काम करते ही नहीं है ऐसा कि अगला बंदा इतराज़ करे, लेकिन जब भी कोई काम करते हैं तो फिर पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे उस्ताद है मोहतरम, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, उन्होंने हमें एक बात समझाई थी बचपन से ही, उन्होंने कहा था खोखर भाई उम्र कि दुनिया में कोई भी काम करो तो उसमें पूरा उसको करो, कि दुनिया तुम्हें उस काम की वजह से जाने, उस काम के हीरो बनो, उस काम में अपना नाम बनाओ, तो वो काम का नाम हो तो तुम्हारा भी जिक्र हो साथ में, ऐसा काम करो। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, इधर से उड़ा के दिखाएंगे आपको। और ये बच्चे देखें हमारे घर के, ओए क्या देख रहे हो हैं, पठानों के बच्चे हैं, बहुत शरारती बच्चे हैं ये, वट्टे मारते हैं कबूतरों को, क्योंकि छत छोटी है, बच्चियाँ इनको क्या गए बंदा। और ये आप शुगल देख सकते हैं, ठीक है जी, ये दे ले, कैसे देसी मोल में आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, कपड़े भी मेरे सूखने डले हुए हैं, कबूतर निकल गया ऊपर, और लकड़ भी बहुत है आजकल, ठीक है जी, कबूतर वो लग गए देख रहे हैं। तो ये अभी उड़ेंगे तो हड्डर हमें इनकी ख़त्म हो जाएगी, यही बात है सारी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल जी खोखर पिजन क्लब।